हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएट विद कृष्णा। और मैं हूँ कृष्णा। तो आज की वीडियो में हम राउंड नेक कैसे बनाएंगे ये बताने वाली हूँ मैं आपको। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो आइए देखें कैसे इसको बनाना है। तो ये स्वेटर मैं जेंट्स के लिए बना रही हूँ। आर्महोल की लेंथ हमें रखनी है 9.5 इंच। तो 4 इंच पहले हम बना लेंगे, उसके बाद हम राउंड नेक की घटाई शुरू करेंगे। तो यहाँ पर बचेंगे मेरे पास 90 फंदे मेरे पास बचे हुए हैं। तो आपके पास जितने भी हों वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। हमें शोल्डर पर 21, 20 या 21 फंदे हमें चाहिए। 22 भी हो तो कोई बात नहीं। तो 20, 21, 22 फंदे हमें शोल्डर पर रखने हैं और उसके बीच के सारे फंदे हमें घटाने हैं, बट एक साथ नहीं घटाने, धीरे धीरे करके हमें उन फंदों को घटाना है। तो किस तरह से घटाएंगे हम? 90 फंदे हमारे पास हैं। सबसे पहले हम सेंटर में 20 फंदे घटाएंगे। तो 90 में से 20 हम जब घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 70 फंदे। 70 में से 35 फंदे हम इधर करेंगे और 35 फंदे हम इधर करेंगे। तो 35 फंदे हमने यहाँ पर बुन लिए और अब हम बीच में 20 फंदों को घटा देंगे। आपके पास यहाँ पर जितने भी फंदे हों, पहले आप 35-35 फंदे दोनों साइड में कर लीजिएगा, क्योंकि हमें शोल्डर पर चाहिए 21 फंदे। तो 35-35 दोनों साइड में करने के बाद आपके पास जितने भी फंदे बीच में बचेंगे आप उन्हें एक साथ घटा दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 20 फंदे मैंने बीच में घटा दिए हैं और अब ये 35 फंदे मैं फिर से बुन लूंगी और सिलाई को कंप्लीट कर लूंगी। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आएंगे सीधी तरफ। अब देखिएगा क्या करेंगे। गले की तरफ से ये पहला वाला फंदा छोड़ के बाकी सब फंदों को हम सीधा बना लेंगे। एक फंदे को छोड़ देंगे और बाकी सबको सीधा बुन लेंगे, या जो भी पैटर्न है आपका उस हिसाब से आप बुन लीजिएगा। ये देखिएगा एक फंदा बचा, इसे हम ऐसे स्लिप कर देंगे और आ जाएंगे उल्टी तरफ। अब क्या करेंगे, दो फंदों को हम इस निडल में डालेंगे और पीछे वाले फंदे को हम आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। तो यहां पर हमारा एक फंदा घट गया, ये हमारे दो फंदे घट गए और घट गए हमारे ये 3 फंदे। और अब हम यहाँ पर घटाएंगे चौथा फंदा, यानी कि 4 फंदे। 4 फंदे हमने एक साथ घटा दिए। अब पूरी रो को हम उल्टा बुनेंगे। रो कंप्लीट हो गई। अब हम आएंगे सीधी तरफ। अब फिर से हम लास्ट वाला फंदा छोड़ देंगे और बाकी सब फंदों को सीधा बना लेंगे। अब फिर से देखिएगा ये लास्ट वाले फंदे को हमने स्लिप कर लिया और हम आ जाएंगे उल्टी तरफ। तो पिछली बार यहां पर हमने 4 फंदे घटाए थे, अब हम घटाएंगे 3 फंदे। ये हमारा एक हो गया, दो हो गया और ये हो गया 3। और पूरी
सिलाई को हम बना लेंगे उल्टा। अब ये उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई और आएंगे सीधी तरफ। लास्ट वाला फंदा फिर से छोड़ देंगे और पूरी सिलाई को बना लेंगे सीधा। इस तरीके से अगर आप राउंड नेक घटाएंगे तो गले की जो शेप है वो बहुत अच्छी आएगी। एक बार आप घटाकर देखिएगा इस तरीके से। ये देखिएगा लास्ट वाला फंदा हमें फिर से स्लिप करना है। लास्ट वाला फंदा हमें तब तक स्लिप करना है जब तक हमें गले की हमारी जो घटाई है वो चलेगी, तब तक हमें लास्ट वाले फंदे को स्लिप करना है। ठीक है, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये देखिएगा यहाँ पर हमारी जो गोलाई है वो बहुत अच्छी आती है। अब हम आ जाएंगे उल्टी तरफ। तो पहले हमने घटाए 4, 3, अब हम घटाएंगे 2। तो ये गोलाई हम किस तरीके से घटाएंगे ये आप देखते रहिएगा वीडियो के एंड तक, ये मैं पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगी आपको। अब फिर से सीधी साइड हमें ऐसे ही करना है, लास्ट वाला फंदा हमें छोड़ देना है और पूरी सिलाई को हमें सीधा बना लेना है। ये देखिएगा अब फिर से हम 2 फंदे घटाएंगे, 1 और ये 2। सीधी तरफ फिर से 1 फंदा छोड़ेंगे हम। ये देखिएगा और अब हम घटाएंगे 1 फंदा। तो कितने फंदे हमने घटाए हैं अभी तक? पहले हमने 4 घटाए, फिर हमने 3 घटाए 7, फिर हमने 2 घटाए 9, और फिर हमने घटाए 2 11, और अब हम घटाएंगे 1 फंदा तो हमारे फंदे हो जाएंगे 12। टोटल में हमें 14 फंदे घटाने हैं। 12 फंदे हमारे घट गए, अब हमें एक एक फंदा और घटाना है यहाँ पर। तो शोल्डर पे हमें रखने हैं 21 फंदे। तो इसी तरह से हम एक एक फंदा और घटा लेंगे। तो फिर से आगे हम सीधी तरफ। ये एक साइड का पूरा मैं आपको बना के बताऊंगी ताकि बिगनर्स को भी बहुत हेल्प हो जाएगी इस तरीके से, इसलिए मैं एक एक सिलाई जो है उसको बता रही हूँ। देखिएगा और अब हम फिर से घटाएंगे 1 फंदा। अब ये हमारी लास्ट रो है जब हमें इधर 1 फंदा छोड़ना है, मतलब हमारा 1 फंदा अभी और घटेगा, बस इसके बाद हमारी घटाई जो है वो बंद हो जाएगी। हमारे शोल्डर पर 21 फंदे बच जाएंगे, जो कि हमें 21 फंदे ही चाहिए। बैक साइड में हमारे 21 फंदे हैं, इसलिए हमें फ्रंट में भी 21 फंदे ही शोल्डर पर चाहिए होंगे। ये देखिएगा बस ये लास्ट है जो हमें स्किप करना है। इसके बाद ये फंदा अब हमारा घट जाएगा। इसके बाद हमें गले की साइड से बिल्कुल सिंपल बनाते हुए चले जाना है जब तक कि हमारी आर्मोल की लेंथ जो है वो 9.5 इंच नहीं हो जाती है। तो आर्मोल की लेंथ हमें 9.5 इंच कर लेनी है,
तब तक हमें बिल्कुल सीधा सीधा बनाना है। ये देखिएगा, यहाँ पर शोल्डर पर हमें 21 फंदे चाहिए। देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21। ठीक है, तो बैक साइड के बराबर हमने इसको कर लिया। अब मैं ये वाली निडल बना लेती हूँ, ये वाली सिलाई, और फिर मैं दिखाती हूँ गले की शेप। तो ये देखिएगा, अब हमारी घटाई ख़त्म हो गई है, तो अब हमें ये वाला फंदे को बुन लेना है। ठीक है, तो ये आएगी हमारी राउंड नेक की शेप, ये देखिएगा कुछ इस तरह से। अब हमें सीधे सीधे बनाते हुए चले जाना है। ये देखिएगा, ये इस तरह से हमारी राउंड नेक की शेप आएगी। ठीक है, तो इसकी लेंथ हमें 9.5 इंच इधर से कर लेनी है, और इस साइड से भी बिल्कुल जैसे हमने इस तरफ से घटाया है, इस तरफ से भी हमें इसी तरीके से घटाना है। तो मैं इस तरफ से भी घटा लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर हमारा राउंड नेक हो गया है एकदम रेडी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।